कीर्ति नागपुरी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन शोज में काम करती है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2010 में मराठी टीवी धारावाहिक ओलक से की, जिसमें उन्होंने बिभावरी तलवारकर का किरदार निभाया था। नागपुरी को परिचय सीरियल में सिद्धि मलिक चोपड़ा और देश की बेटी नंदिनी में नंदिनी पांडे रघुवंशी के किरदार के लिए जाना जाता है। मई 2022 से कीर्ति नागपुरी को जी टीवी पर प्यार का पहला नाम राधा मोहन टीवी शो में तुलसी मोहन त्रिवेदी का किरदार निभाते हुए आप देख सकते हैं। आज की कहानी में हम कीर्ति नागपुरी के जीवन के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में, उनके परिवार के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। कीर्ति नागपुरी का जन्म 23 जनवरी 1987 को पुणे में हुआ था। इनके फैमिली में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई और एक बहन है। इनके पिता का नाम अशोक पांडे और इनके माता का नाम आंचल पांडे है। इनके भाई का नाम अनिकेत पांडे और इनके बहन का नाम सुजाता पांडे है। कीर्ति ने अपनी स्कूली शिक्षा पुणे में ही पूरी की और पुणे विश्वविद्यालय से इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है। कीर्ति नागपुरी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी चैनल स्टार प्रवाह के टैलेंट हंट प्रतियोगिता से की थी। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और वहीं से उन्हें अभिनय का पहला अवसर मिला। कीर्ति नागपुरी को पहली बार 2010 में मराठी टीवी शो ओलक से अपने अभिनय की शुरुआत करने का मौका मिला। ओलक का प्रसारण स्टार प्रवाह टीवी चैनल पर किया गया था। इस टीवी शो में उन्होंने बिभावरी तलवारकर का किरदार निभाया था। यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई और यहीं से उन्हें एक बड़ी पहचान मिली। इस शो में कीर्ति के अभिनय को काफी ज्यादा सराहना मिली थी। कलर्स टीवी पर कीर्ति नागपुरी ने 2011 से 2013 तक समीर सोनी के साथ सिद्धि मलिक चोपड़ा की भूमिका निभाते हुए टीवी शो परिचय से हिंदी टेलीविजन में शुरुआत की। यह भूमिका उनके एक्टिंग करियर में एक प्रमुख मोड़ साबित हुई और इस शो से उन्हें टीवी इंडस्ट्री में बड़ी पहचान मिली। कीर्ति नागपुरी को टीवी शो देश की बेटी नंदिनी में नंदिनी पांडे रघुवंशी के किरदार के लिए भी मुख्य रूप से जाना जाता है। मई 2022 से कीर्ति नागपुरी जी टीवी के शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन में तुलसी मोहन त्रिवेदी का किरदार निभाते आ रही है। यह शो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। साल 2013 में बेटा ही चाहिए टीवी शो में नागपुरी ने प्रियंका भंडारकरी का किरदार निभाया था। यह किरदार भी लोगों को खूब पसंद आया था। कीर्ति नागपुरी साल 2015 में एक वीर की अरदास वीरा नाम के टीवी शो में गीत सिंह की भूमिका निभाई थी। टीवी शो नागार्जुना एक योद्धा में कीर्ति नागपुरी ने 2016 में प्रणाली नाम का किरदार निभाया था। इन टीवी शोज के अलावा कीर्ति नागपुरी कुलदीपक, लाल इश्क, मिल गई मंजिल मुझे, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा और द लेट नाइट शो जैसे शोज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। कीर्ति ने साल 2012 में एक मराठी फिल्म जलाए दिमाग खराब में भी काम किया है। साल 2017 में इन्होंने शौर्य नाम की एक वेब सीरीज में भी काम किया। कीर्ति नागपुरी को उनके बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन के लिए कई सारे अवार्ड्स में नॉमिनेशन और पुरस्कार मिले हैं। 2012 में कीर्ति नागपुरी को इंडियन टेली अवार्ड में परिचय में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेस न्यू फेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। नागपुरी ने 2011 में टीवी शो परिचय के लिए समीर सोनी के साथ सर्वाधिक लोकप्रिय जोड़ी के लिए कलर्स टीवी का गोल्डन पेटल अवार्ड भी जीता था। कीर्ति ने परिचय में ही अपनी भूमिका के लिए कलाकार पुरस्कार भी जीता। कीर्ति नागपुरी ने टीवी शो परिचय के लिए समीर सोनी के साथ सर्वश्रेष्ठ जोड़ी के लिए ग्लोबल इंडियन फिल्म एंड टीवी ऑनर्स भी जीता है। आइए अब जानते हैं प्यार का पहला नाम राधा मोहन में कीर्ति नागपुरी की क्या भूमिका है। एक इंटरव्यू में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कीर्ति नागपुरी कहती है कि मैं प्यार का पहला नाम राधा मोहन में तुलसी की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हूँ। यह भूमिका उन अन्य भूमिकाओं से बहुत अलग है जिनके लिए मैंने अपने करियर में पहले ही काम किया हुआ है। देश की बेटी नंदिनी टीवी शोज की अभिनेत्री अपने किरदार के बारे में और अधिक बताते हुए कहती है, यह पहली बार है कि मैं एक काल्पनिक भूमिका निभा रही हूँ। साथ ही मेरा मानना है कि हर भूमिका की एक अलग यात्रा होती है और उनके उद्देश्य भी अलग होते हैं। वो बताती है कि राधा मोहन टीवी शो में अपने किरदार को सुनने के बाद मैंने तुरंत इस भूमिका को स्वीकार कर लिया था क्योंकि यह एक अनोखा किरदार था। मुझे उम्मीद है कि तुलसी के मेरे किरदार को लोग पसंद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्यार का पहला नाम राधा मोहन जी टीवी पर प्रसारित होता है। जब से यह शो शुरू हुआ है तभी से इस किरदार को यानी कि तुलसी को खूब पसंद किया जा रहा है। इस शो की टीआरपी भी धीरे धीरे अब और ऊपर जा रही है। साल 2023 तक कीर्ति नागपुरी किसी को डेट नहीं कर रही है। वह फिलहाल अविवाहित है और वर्तमान में किसी के साथ रिश्ते में भी नहीं है। कीर्ति के वर्तमान प्रेमी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पहले ऐसी अफवाहें थी कि
श्रीमती नागपुरी सौरभ राज जैन के साथ रिश्ते में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे अभी भी साथ है या नहीं है। कीर्ति नागपुरी की हाइट 5 फीट 1 इंच है और फिलहाल इनका वेट 52 kg है। इनकी आंखों का कलर काला है और इनके बालों का रंग ब्राउन है। लोकप्रिय अभिनेत्री कीर्ति नागपुरी को किताबें पढ़ना और पेंटिंग करना काफी ज्यादा पसंद है। इन हॉबीज के लिए कीर्ति टेलीविजन सीरियल के सेट और घर दोनों पर समय निकाल ही लेती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कीर्ति नागपुरी की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें और हमसे गहराई से जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।